भारत है अविनाशी खंड। और शिव बाबा का यहाँ ही अवतार होता है। अविनाशी खंड क्यों है? क्योंकि सत्य अविनाशी होता है और असत्य का विनाश होता है। सत्य बाप भारत में आते हैं। तो बाप की कथा गाई जाती है या सत्यनारायण की कथा गाई जाती है? सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। बाप शिव तो कभी झूठ बनता ही नहीं, उसी की कथा गाने की बात ही नहीं है। इस झूठ की दुनिया से जिसे संघर्ष करना पड़ता है उसकी कथा गाई जाती है। इसलिए बोला कि बाप भारत में आते हैं। भारत ही सच खंड था और भारत ही अंत में झूठ खंड बन जाता है। फिर भी भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। भारत खंड का विनाश नहीं होता। दक्षिण भारत के जो भी प्रदेश हैं, जब नई दुनिया बनेगी तो समुद्र के गर्त में डूब जाएंगे या नहीं डूब जाएंगे? फिर भारत में जो विदेशी प्रभाव पड़ गया है, विदेशियों का छिलका चढ़ गया है, वो उतर जाता है। बाकी सत्य सनातन धर्म का कभी विनाश पूरा नहीं होता। टूट फूट हो जाती है, प्रायः लोप हो जाता है, तो बाप आकर के सत्य सनातन धर्म की फिर से स्थापना करती है भारत में। और जो भी धर्म खंडों का प्रभाव पड़ता है वो साफ खलास हो जाता है। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है।